नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूँ आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटन वर्सेस सनराइज हैदराबाद के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मैच में। मैच बड़ा ही रोमांचक था। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करूँगा। सबसे पहले आप लोग छोटा सा काम करना, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और सोशल साइट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों ये काम कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सनराइज हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन इस समय पॉइंट टेबल पर टॉप पे है। जिस तरीके की बल्लेबाजी और गेंदबाजी गुजरात टाइटन्स कर रही है उसे देख के ये लगता है कि ये IPL गुजरात टाइटन के नाम होगा। सनराइज हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स कुछ जो मैच खेला गया 27 तारीख को इतना मजेदार मैच, और IPL के अंदर सारे मैच इतने मजेदार हो रहे हैं जिसे मतलब आदमी अपने जगह से हिलने की कोशिश नहीं कर सकता। गुजरात ने टॉस जीत के पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और सनराइज हैदराबाद को बल्लेबाजी के आमंत्रित किया। संदीप शर्मा अभिषेक शर्मा जिस तरीके की उन्होंने पिछले 4-5 मैचों से, और जब से वो ओपनिंग पहले तो बीच बीच में करते हैं लेकिन जब से वो कंसिस्टेंटली ओपनिंग कर रहे हैं उनके अंदर मोराल बूस्ट हुआ। उनका अंदर के खुद से मतलब एक अच्छा बल्लेबाज की तरह बैटिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके के 65 रन की पारी खेली उन्होंने और उसके बाद माकरम ने 55 रन की पारी खेली, दोनों ही बल्लेबाजों ने जो एक समय सभी ने शुरुआती 3 झटके देके और सनराइज हैदराबाद को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने जो साझेदारी निभाई और गुजरात टाइटन्स सनराइज हैदराबाद का स्कोर 195 के पास पहुँचा दिया। और ये इतना बड़ा टारगेट था 20 ओवर में जिसे अचीव करना इतना आसान नहीं था। और लास्ट में शशांक सिंह ने जो आखिरी ओवर में 4 छक्के मारे। दोस्तों मतलब मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि इस IPL में जो न्यू कमर है वो कुछ अनोखा कर रहा है। वो तो किसी भी टीम की तरफ से खेल रहा हो, किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहा हो, बॉलिंग अटैक हर टीम के पास आला दर्जे की है, लेकिन जो न्यू कमर है स्पेशली जो इंडियन न्यू कमर है, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बल्लेबाज है, जिस तरीके की बल्लेबाजी और बल्लेबाज कर रहा है और गेंदबाजी जिस तरीके से कर रहे, जिस तरीके से वो अपना मैचेस में परफॉर्म दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। भविष्य इन सभी न्यूकमरों का बहुत शानदार नजर आ रहा है। शशांक ने लास्ट के ओवर में 4 छक्के मार के जो मैच जो स्कोर 160 और 70 का नजदीक लग रहा था उसे 95 तक ले गए, और इतना बड़ा टोटल से गुजरात टाइटन्स के लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता था और शामी को छोड़ दिया जाता। राशिद खान अभी तक अपनी बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं दिखा पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अंजारी जोसेफ को 1 विकेट मिली, यश दयाल को 1 विकेट मिली, इसके अलावा लुकी फर्गुसन बिना किसी खास विकेट के रहे। तो गेंदबाजी में सिर्फ अगर मोहम्मद शामी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी गेंदबाज गुजरात टाइटन की तरफ से वो छाप नहीं छोड़ पाया। और एक खास चीज़ जो मुझे इस बार देखने को मिली, आपका हार्दिक पांड्या कमबैक कर रहे थे लेकिन इस मैच में गेंदबाजी नहीं की, और शायद इसका बहुत बड़ा फर्क था इस 195 के स्कोर में, क्योंकि वो जिस तरीके से गेंदबाजी स्पेशली टूर्नामेंट के अंदर कर रहे हैं, कमबैक किया हुआ उन्होंने और जो गेंदबाजी कर रहे हैं 1-2 विकेट निकाल रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, और ये चीज़ गुजरात टाइटन्स के लिए बहुत फायदेमंद होती थी, लेकिन उस मैच में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की और स्कोर 195 पहुँचा। और अभिषेक शर्मा बहुत उमदा बल्लेबाज, बहुत शानदार तरीके से गेंद को मैच पर खेल रहे हैं, और माकरम जितना नीचे आके बल्लेबाजी कर रहे हैं, अमूमन ऐसे माकरम 7 ऑप्शन टीम में एज ए ओपनर खेलती है, लेकिन यहाँ जितने वो 4th या 5th डाउन पर आगे जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। अगर जितना भी मौका उन्हें मिल रहा है उस मौके को बहुत अच्छी तरह वो यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने स्ट्रोक्स निकाल रहे हैं और कोई भी खराब शॉट नहीं खेल रहे। और गुजरात टाइटन की तरफ से अगर बात करी जाए बल्लेबाजी की तो बहुत बड़ा उन्हें फेल कर दिया गुजरात टाइटन ने कि उस 195 के स्कोर को अचीव किया, और जिसमें बहुत बड़ा हाथ अगर कहा जाए तो एज ए ओपनर रिद्धिमान शाह, आपका राशिद खान ने जिस तरीके से लास्ट में आके बल्लेबाजी की है, और शुभमन गिल ने 22 रन बनाए, और राहुल तेवतिया भाई इस बंदे ने उन्होंने 2 साल पहले भी IPL में एक मैच में इसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी, और इस मैच में 2 बार इस बंदे ने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। कल भी 40 रन की पारी खेली इस मैच में, और जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की मिडिल ऑर्डर में एज ए ऑलराउंडर ही खेलते हैं गुजरात टाइटन की तरफ से, लेकिन क्या परफॉर्मेंस है, गेंदबाजी से विकेट निकालते हैं, बैटिंग जिस समय आते हैं तो 15-16 ओवर चल रहा होता है, और स्पेशली ये जब परफॉर्म करते हैं जब टीम को उनकी जरूरत होती है। और ये खास बात मैंने राहुल तेवतिया में देखी कि जब भी टीम संकट में होती है उस समय ये और बड़े हिट लगाते हैं, और स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है और स्ट्रोक लगाने से हिचकिचाते नहीं बिल्कुल भी, और बिल्कुल मिडिल करके लगाते हैं। रिद्धिमान शाह
बहुत देर बाद इन्हें गुजरात टाइटन की तरफ से खेलने का मौका मिला। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे 65 का स्कोर था और एक मतलब मजे हुए ओपनर की तरह बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुभमन गिल पिछले दो मैचों से स्टार्ट पा रहे हैं लेकिन उसे बड़े मैच में बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे। बॉलिंग की बात की जाए तो उमरान मलिक भाई इस गेंदबाज के लिए तो कुछ भी कहना बहुत बहुत मुश्किल है। गुजरात टाइटन की अगर 5 विकेट गिरी है तो पांचों की पांचों इमरान मलिक ने क्या कश्मीरी बंदा किस तरीके स्पीड 150 से ऊपर रखती है पर किलोमीटर 150 पर किलोमीटर से सारी गेंदें डालते हैं। पांचों विकेट इन्होंने निकाले। भविष्य इमरान मलिक जैसे गेंदबाज का बहुत बहुत सुनहरा लग रहा। आपका मुकेश चौधरी जो सनराइजर्स आपका CSK की तरफ से खेलते हैं कुछ ऐसे न्यू कमर गेंदबाज आए हुए हैं IPL में स्पेशली इंडियन टीम की तरफ से जो खेल रहे हैं वो इतना शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं कि मतलब अब अगर इंडियन टीम की सिलेक्शन होती है आगे आने वाले टूरों में तो ये जो न्यू कमर है अगर इन्हें मौका मिलता है तो जो रिजर्व प्लेयर है चाहे शमी हो गए चाहे हार्दिक पांड्या इनके लिए थोड़ी दिक्कतें उमेश यादव का ये टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा। तो अब जो बैट्स स्ट्रेंथ है इतनी मजबूत हो गई इंडियन टीम की कि स्पेशली फास्ट बॉलिंग से अगर देखा जाए तो अब इंडियन टीम के पास फास्ट बॉलरों की भरमार होगी। मैं कह सकता हूँ 1 से लेकर 10 तक के टॉप क्वालिटी के फास्ट बॉलर इस इंडियन टीम के पास है और बैट्स स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हुई है कि जिसकी वजह से ओवरसीज मैचेस में जहाँ फास्ट पिचेस मिलती है वहाँ हम 4 से 5 फास्ट बॉलर खिला सकते हैं। रशीद खान बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा दम दिखा रहे हैं गेंदबाजी में इतना बढ़िया नहीं कर पा रहे लेकिन जिस तरीके एक मैच पहले भी उन्होंने 41 रन की पारी खेली थी और इस मैच में भी उन्होंने 31 रन की पारी खेली ताबड़तोड़ इन्होंने 4 छक्के मारे हैं रशीद खान ने और वो मैच का जो उन्होंने हिस्सा बदला है मैच अगर जीता तो 4 छक्कों की वजह से केवल 11 गेंदों में 31 रन बनाए जैसे शशांक ने पहली पारी में सनराइजर्स के लिए 4 छक्के लास्ट में लगाए थे इसी तरीके से रशीद खान ने बल्लेबाजी की और एक पूरा रशीद खान का जो हैंडल यूज करते हो बहुत ज़्यादा करीब से पकड़ते हैं जिससे कि पावर बहुत अच्छा जनरेट होता है और उसी की वजह से ये 4 छक्के लगाने में कामयाब रहे। गुजरात टाइटन्स बॉलिंग में नहीं चल पाई लेकिन बल्लेबाजी में बहुत दम दिखाया। सनराइजर हैदराबाद और मैच दर मैच बहुत बेहतर होती जा रही है। सनराइजर हैदराबाद का बल्लेबाजी की बात की जाए हर एक प्लेयर चाहे वो आपका माकरम है चाहे आपका वो विलियमसन है अभिषेक शर्मा हर एक बल्लेबाज त्रिपाठी जो पिछले सारे मैचों में अच्छा खेले इस मैच में भी उन्होंने स्टार्ट पाया 16 रन की पारी खेली लेकिन उसे लंबा स्कोर नहीं कर पाया। एक प्लेयर है सनराइजर हैदराबाद की तरफ से जिसे चलना शायद अभी रह चुका है जिसको अभी चलना है वो है निकोलस पूरन क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है दोस्तों अगर ये अपने समय के हिसाब से अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी करता और जिस दिन इस बल्लेबाज का दिन होगा उस दिन सनराइजर हैदराबाद के लिए कोई भी टीम उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं मेरे सोशल मीडिया साइट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। खुश रहिए सुरक्षित रहिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।